इधर पुतिन के विध्वंसक आक्रमण के बाद युद्ध के मैदान में नई और बहुत बड़ी दहशत फैल गई है। रूस की मिसाइल स्ट्राइक से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट ठप हो गया है। वहां बिजली की सप्लाई ध्वस्त हो चुकी है। प्लांट में मौजूद 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघलने वाले हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। तो सवाल यही है कि क्या वॉर जोन में बहुत ही जल्द रेडिएशन विनाश शुरू होने वाला है? मिसाइलों से प्रहार, रूस ने यूक्रेन को मिसाइलों से पाट दिया। यूक्रेन के शहरों पर इतने बारूद गिरे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। रूसी स्ट्राइक से सबसे बड़ा आघात ज़ापोरिज़्या को लगा। बारूदी बारिश में ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट ठप हो गया और इसी के साथ एटमी विनाश का सायरन बज गया। यह पहली बार है जब ज़ापोरिज़्या प्लांट पूरी तरह से बंद हुआ है। पुतिन आर्मी ने कुछ इसी तरह से मिसाइलों की बारिश की। इसकी जद में ज़ापोरिज़्या प्लांट भी आया। हमले की वजह से प्लांट में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। क्योंकि बिजली की सप्लाई ठप है इसलिए प्लांट भी पूरी तरह से ठप हो गया है। प्लांट की बत्ती गुल हुई तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें 6 परमाणु रिएक्टर्स है। यही न्यूक्लियर रिएक्टर महातबाही की वजह बन सकते हैं। परमाणु रिएक्टर्स को लगातार कूलिंग की जरूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस वक्त सारे प्लांट बंद है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। फिलहाल 18 जनरेटर लगातार रिएक्टर्स को कूल करने में लगे हैं। अगर ये जनरेटर भी ठप हुए तो कूलिंग बंद हो जाएगी और महाविनाश का आरंभ हो जाएगा। अब इसे भी समझने की जरूरत है कि अगर प्लांट में कूलिंग बंद हुई तो क्या होगा, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर 1.5 घंटे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कूलिंग बंद हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे और इसके बाद न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो जाएगा। रेडिएशन की जद में सिर्फ ज़ापोरिज़्या या यूक्रेन ही नहीं आएंगे बल्कि पूरा यूरोप मरघट बन जाएगा। यहां जीवन असंभव हो जाएगा। जिंदा रहने के लिए लोगों को यूरोप छोड़ना पड़ेगा। किसी भी वक्त प्लांट का कूलिंग सिस्टम ठप हो सकता है। किसी भी वक्त न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो सकता है। इसकी दहशत यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप तक फैल चुकी है। क्योंकि ज़ापोरिज़्या प्लांट में ब्लैकआउट है लिहाजा यहां से यूक्रेन को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा कायम हो चुका है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बत्ती गुल है लिहाजा अस्पतालों में सर्जरी भी नहीं हो पा रही। बैंकिंग से लेकर दूसरी जरूरी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी है। पूरा सिस्टम चरमरा गया है। अंधेरे से तो यूक्रेन जल्द ही उबर जाएगा लेकिन वो विनाश से कैसे बचेगा जो ज़ापोरिज़्या से शुरू होने वाला है, जिसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर ज़ापोरिज़्या प्लांट के सभी 6 रिएक्टर्स पिघल गए तो रेडिएशन की वजह से लाखों लाशें बिछ सकती हैं। चेर्नोबिल से बड़ा विनाश बहुत निकट है। सवाल यह है कि क्या इस विनाश को रोका जा सकता है? अगर हां तो कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।